हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक तो फिर से नया रेसिपी लेके आप लोग का सामने आई हूँ। ये है मिक्स वेजिटेबल मिक्स पत्ता सब्जी। ये देखिए क्या क्या पत्ता, जो जो पत्ता आप लोग खाते हो वो सबको मिक्स कर लीजिए। ये मेरा पास है, ये क्या पत्ता बोलते हैं पता नहीं, और ये मोरा पत्ता, उसका बात है ये ढकिया पत्ता, ढकिया पत्ता, और ये है पानी पत्ता, पानी में निकलता है जो ये पत्ता, और इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं। और भी आप लोग को जो जो पसंद है सब मिक्स कर लीजिए पत्ता लोग को थोड़ा थोड़ा लेके। उसके बाद मैंने इसको धुला लिया, इसको अभी बनाऊंगी बिना तेल में, और बॉयल भी नहीं होगा, ये ड्राई होगा। इसको मैं बनाने जा रही हूँ, ये टमेटो और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चा और ये है नींबू का साथ। अभी चलो केराही बिठा देती हूँ इसमें, और इसमें थोड़ा सा देखिए पानी थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये पानी, और पानी और इसमें ऑलरेडी ये सब दे देना है एक साथ, पानी और ये सबको दे दीजिए, पानी और थोड़ा सा दे देती हूँ, पानी और इसमें नमक। नमक को ज़्यादा मत डालिए क्योंकि पत्ता लोग जो सूख के कम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा नमक। जिसको झाल खाने मन है वो थोड़ा ज्यादा झाल दे लीजिए। और ये है नमक, हल्दी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आप लोग का मर्जी। हल्दी थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, और इसके बाद ये नींबू, नींबू को भी अभी इसका रस निकाल के दूंगी। ये देखिए नींबू का हम रस को इधर देगा, ये रस को चेप के आप लोग ले लीजिए। सिंपल है, कोई भी ट्राई कर सकता है घर में, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अगर आप लोग बेम्बू टेंगा पसंद है तो उसको इस नींबू का जगह में बेम्बू टेंगा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज नींबू का साथ ही बनाऊंगी इसको। नींबू का रस डाल दिया, और इसको थोड़ा देर उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। चलो अभी एक बार चेक कर लेती हूँ, ये पूरा उबल गया है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा करके दिखाओ, ये उबल गया। अभी मैं इसमें पत्ता लोको डाल दूँगी, ये पत्ता देखिए, इसमें ये पत्ता लोको दे देना, हो गया उधर ही दिखाते रहो, जरूरत नहीं, ये सब पत्ता लोको इसमें दे दीजिए। अभी बाद में बहुत थोड़ा ही हो जाएगा ये जो, इसको अभी एक बार पलटी मार दीजिए। इसको ऐसा पलटी मार दीजिए देने का सच सच, मीडियम फ्लेम में पकाइए इसको। अभी फिर थोड़ा देर के लिए ढक देती हूँ। और एक बात, अगर आप लोग को तिल पसंद है तो लास्ट में तिल भी डाल सकता है, अगर तिल नहीं है बोलने से भी हो जाएगा, तो मैं लास्ट में थोड़ा सा तिल को पीस के रखा है उसको डाल दूंगी। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेती हूँ, देखिए पानी मैंने बहुत कम रखा था, लेकिन भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, और भी कम पानी दीजिए आप लोग। पूरा ये पानी को सुखा देना है, पानी खुद खुद ये जो धुलाया था वो पानी पत्ता से पानी निकल जाता है, और थोड़ा सा लास्ट में जो हम लोग रखा था वही उसी से पक जाएगा। ये पानी को पूरा सुखाना है, पूरा पूरा ड्राई कर दीजिए इसको, जितना भी थोड़ा सा है ना उसको पूरा सुखा दीजिए। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा है, इसको पूरा सूख जाना है, उसके बाद पक ही गया। इसको सूखने के बाद थोड़ा सा लास्ट में तिल डाल दूंगी मैं, देखिए पक रहा है मेरा पट्टा सब्जी। खा के देखिए बहुत टेस्टी है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मसाला भी कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग बना के देखिए, बस इसको देखती हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये पक गया, बहुत इजी से पक गया ये। इसमें अभी मैं तिल डाल दूंगी, अगर तिल नहीं है तो भी ऐसे खा सकते हैं आप लोग, लेकिन भी मैं इसमें तिल का गुड़ी है, ये तिल पीस के रखा था, ये तिल को लास्ट में
ऐसा कर दीजिए, ऊपर डाल दीजिए, हो गया बस। अगर आप लोग को झाल पसंद है तो जब पानी फास में डालते हैं उसमें थोड़ा झाल दे दीजिए, मैं हमको ज़्यादा झाल पसंद नहीं है इसलिए। ये हो गया, ये अभी खाना मेरा रेडी है, अभी खा के दिखाऊंगी। देख हो गया दोस्तों, देखिए हम लोग का खाना रेडी हो गया। ये मैंने जो अभी पत्ता सब्जी बनाया है, और ये है कच्चू आलू और टेंगा, एलिफेंट एप्पल और मछली बॉयल, और ये क्या पत्ता बोलते हैं बताने, हम लोग तो मौसंदरी पत्ता बोलते हैं, और ये है तीता गुट्टी। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, बना के देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय बाय, अच्छा से रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।